हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ईश्वर द्वारा किए गए कार्यों को समझना या उनके मिशन को समझना आज हर एक इंसान के लिए मुश्किल सा लग रहा है। हर एक इंसान कोशिश तो करता है ईश्वर द्वारा किए गए कार्यों को समझने की, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर जितना वो सोच सकता है, समझ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो निष्कर्ष निकाल लेता है। और तभी उसके मुंह से निकलता है कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया। यानी जिसको अपनी प्रार्थना के मुताबिक रिजल्ट मिल जाता है वो बहुत खुश हो जाता है कि ईश्वर ने उसकी सुन ली। लेकिन कभी ऐसा होता भी है कि प्रार्थना के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी जिसे जिसकी चाहत हमने की ईश्वर से, उसे ईश्वर ने हमें दिया ही नहीं, वो चीज़, वो प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई। और तब हमारा आहत मन ईश्वर को दोष देने लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ईश्वर के कार्यों को जान पाना, उनके एम को जान पाना इतना आसान है? मान लीजिए आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, गाड़ी में आराम से आपकी जर्नी चल रही है और आप बहुत खुश हैं, लेकिन रास्ते में अचानक से दुर्घटना हो गई। वो दुर्घटना आपकी गाड़ी के साथ सामने वाले की गाड़ी के टक्कर होने से हुई। अब सामने वाले की गाड़ी जिसके साथ आपकी टक्कर हुई उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ। अब गुस्सा आना स्वाभाविक है और तुरंत मुंह से निकल जाता है कि भगवान ने उसे कैसे बचा लिया और हमारी ही कार को नुकसान क्यों हो गया, जबकि हम तो अच्छी तरह ड्राइव कर रहे थे। तो तुरंत जब हमें नुकसान मिल जाता है लाइफ में, हम लोग ईश्वर की तरफ देखकर उन्हें ब्लेम करने लगते हैं, अपनी तरफ उंगली हमारी जाती ही नहीं है। जबकि यदि हम कुछ अचीव कर लेते हैं, मान लीजिए उसी एक्सीडेंट में अगर आपकी कार बच जाती और सामने वाले का नुकसान, तब आप तुरंत मुंह से कहते हैं, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ऊपर आपने आँच तक नहीं आने दी। अब दूसरा एग्जांपल, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेहनत करने के बाद भी जो उन्हें मिलना चाहिए समय पर वो उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन इसके विपरीत बहुत लोग ऐसे होते हैं बिन मेहनत के ही वो बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं। ऑब्वियसली नज़र उन पर जाती ही है हमारी कि बिना मेहनत किए सब कुछ उनके जीवन में रेडीमेड उन्हें मिलता चला जा रहा है। पेरेंट्स की तरफ से फैमिली सपोर्ट, उनके जीवन में कभी भी कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनकी बाहरी दुनिया देखते हैं, उनकी आंतरिक दुनिया में क्या हलचल है उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो लगता है कितनी मेहनत की और रिजल्ट ज़ीरो मिला, कहाँ है भगवान? क्या कल की अवतार का डिवाइन मिशन भी किसी के साथ अनफेयर गेम खेल सकता है? क्या कल की अवतार किसी के साथ भी अनफेयर हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ईश्वर किसी के साथ भी कभी भी अनफेयर होते हैं। जो उनकी नज़रों में सही, वो बातें, वो घटनाएं हम देख नहीं पाते, इसलिए चूँकि हम समझ नहीं पाते हैं हम तुरंत ईश्वर को ब्लेम कर देते हैं, उनसे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन जो बातें हमारी समझ में आ जाती हैं उसमें हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मान लीजिए आप कहीं पहुँचने वाले थे इम्पॉर्टेंट काम से। आजकल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप जिस सिटी में रहते हैं वहीं पर आपका इंटरव्यू रखा गया हो, या आपको ज्वाइन करना है किसी कंपनी को, आप दूसरी जगह जा रहे हैं, तो या तो आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या तो फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्टेशन पर गए, या तो ट्रेन छूट गई रास्ते में ट्रैफिक के कारण आप अटक गए, या जिस फ्लाइट से आप जाने वाले थे वो फ्लाइट कोहरे के कारण या किसी और वजह से डिले हो गई। अब
आपको जिस दिन ज्वाइन करना था उस दिन आप ज्वाइन नहीं कर पाए, या जिस इंटरव्यू में आपको जाना था वो इंटरव्यू आप नहीं दे पाए, आपको अफसोस बहुत हुआ और मन ही मन आपने ईश्वर रूपी कल की अवतार को स्टार्ट कर दिया ब्लेम देख करना कि अगर आप हैं कलयुग में जैसा लोग कह रहे हैं तो फिर आप कहाँ पर हैं, क्यों मेरा इंटरव्यू छुड़ाया, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। और इस क्यों का जवाब हो सकता है आपको अगले दिन मिले, जिस ट्रेन में आप सफ़र करने वाले थे और जो ट्रेन आपने छोड़ दी या आपसे छूट गई, उस ट्रेन का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बहुत लोग मारे गए, यानी ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं उस सफ़र से बचा लिया। इंटरव्यू का क्या है, एक गया दूसरा आ जाएगा। हो सकता है जिस फ्लाइट में आप सफ़र करने जा रहे थे वो फ्लाइट भी क्रैश कर गई, और इसलिए आप चूंकि उसमें नहीं थे इसलिए भी आपकी जान बच गई। तो चूंकि आपका बुरा समय नहीं था उस, अगर ट्रेन में आप सफ़र करते या फ्लाइट में तो हो सकता आपका भी एक्सीडेंट हो जाता, तो वैसे भी आप नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह से आपको बचाने के लिए हो सकता है ईश्वर ने एक चेतावनी देते हुए आपके साथ ऐसा कुछ किया जो आपकी तुरंत समझ में उस समय तो नहीं आया लेकिन बाद में आया, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ता है और लाइफ के एंड में जाकर उन्हें बहुत अधिक अचीवमेंट वो हासिल कर लेते हैं। हो सकता है इसमें भी इस जन्म के कर्म नहीं बल्कि पिछले जन्म के कुछ कर्म काउंट होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, क्योंकि पिछला जन्म हम भूल चुके होते हैं। हम क्या थे, हमने क्या किया, किसके साथ कौन सा गलत काम किया या अच्छा काम किया, तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे पास चूंकि नहीं रहता इसलिए हम इसी जन्म को काउंट करते हुए ये कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं, फिर ईश्वर हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। तो ये अंतिम युग है और अंतिम अवतार विष्णु भगवान का कल्कि के रूप में, जहां उन्हें हर आत्मा के साथ न्याय करना है। उनका डिवाइन मिशन एक खास मकसद के कारण युग परिवर्तन लाने के लिए ही इस धरती पर चल रहा है, जिसमें किसी भी आत्मा के साथ यकीन मानिए अनफेयर गेम या अनफेयर मिशन उनका नहीं होगा। यानी कल्कि अवतार किसी के साथ भी न्याय देने में अनफेयर नहीं होंगे, किसी भी अनैतिक तरीके से या अन्याय के फलस्वरूप किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे उसे लगे कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। चूंकि यह अंतिम युग है, इसमें सारे 184,00,000 योनियों से होकर एक आत्मा को गुजरना पड़ता है, चूंकि यह अंतिम युग है, फाइनल बैलेंस शीट कल्कि अवतार के हाथ में है, इसलिए हर जन्म का जो भी हिसाब किताब पेंडिंग है वो सब कुछ इस जन्म में होने वाला है। लेकिन जिन्हें सब कुछ मिलेगा वो कहेंगे वो फेयर हैं, वो किसी के साथ भी अनफेयर नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी आत्माएं होंगी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो भक्ति के फलस्वरूप भी अच्छे कर्म करके भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखेंगे, या यूं कहिए उनके जीवन में कल्कि अवतार द्वारा परीक्षा की घड़ी ऐसी होगी जिसमें शायद उनका साहस जवाब दे जाए, उनका धैर्य जवाब दे जाए। लेकिन यकीन मानिए कल्कि अवतार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। यदि आपने भी सुदामा की तरह कृष्ण की परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद आपके वारे न्यारे यानी हर चीज़ आपकी मुट्ठी में। ईश्वर का आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए, जिस पल भी मिले उसी पल से आपकी ज़िंदगी हो जाती है इतनी अच्छी कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती। तो कल्कि अवतार आज के युग में किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होने वाले, बट उनको क्रिटिसिज्म का सामना बहुत अधिक करना पड़ेगा, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं, क्योंकि वो हैं डिवाइन ह्यूमन अवतार और डिवाइन मिशन के लिए हैं धरती पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।